बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 6 की कंटेस्टेंट रही सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। इस बात की जानकारी सना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अपने फैंस को दी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह इस्लाम को बताया है। सना ने कहा कि वो मानवता की सेवा करना चाहती है और अब से वो अल्लाह के आदेशों का पालन करेंगी। दरअसल सना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोमन, इंग्लिश और अरबी जैसी 3 लैंग्वेजेस में पोस्ट को शेयर किया। सना ने लिखा है, भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिज की जिंदगी गुजार रही हूँ और इस अरसे में मुझे हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आगे लिखा, अब कुछ दिन से मुझ पर ये एहसास कब्जा जमाए हुए है कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ ये है कि वो दौलत और शोहरत कमाए। क्या उस पर ये फर्ज आयद नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन दो सवालों का जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खास तौर पर इस दूसरे सवाल का जवाब कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। सना ने आगे लिखा कि इस सवाल का जवाब जब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है और वो इससे सूरत में बेहतर होगी। इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपने शोबिज की जिंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। तमाम बहनों और भाइयों से दरखास्त है कि वो अब मुझे शोबिज के किसी काम के लिए दावत ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, सना खान ने साल 2005 में फिल्म यही है हाई सोसाइटी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो बॉम्बे टू गोवा, धन धना धन गोल, हल्ला बोल, जय हो, वजह तुम हो जैसी फिल्मों में नजर आई। कुछ दिनों पहले सना वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में भी नजर आई थी। हिंदी फिल्मों के अलावा सना ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काफी काम किया है। वेल, सना के इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर आप लोगों की क्या है रिएक्शन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बॉलीवुड।